I'm Nasreen Farooq. I am full-time mother, a housewife, a grandmother to 15 kids. I'm farming myself and I'm working in the Federal Ombudsman Office as Child Commissioner. Previously, I was working as Provincial Child Commissioner in the Punjab office. I'm also doing social work. I was widowed when I was hardly 40 and I had 5 teenager children whom I had to take care of, and my aged parents because my brothers were abroad. So it's been quite a difficult task, uphill task for me to manage all these things all this time. बच्चे छोटे थे तो उनको मैं नहीं चाहती थी कि उनको कोई भी ऐसी बात फील हो कि उनका सोशल स्टेटस चेंज हो गया है. तो आई ऑलवेज ट्राइड कि जो भी उन्होंने मुँह से निकाला मैंने पूरा किया है. मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे सिंगल वुमेन के लिए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो आउट एंड मैनेज थिंग्स बिकॉज एटीट्यूड ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी इज़ टोटली डिफरेंट टूवर्ड अ सिंगल वुमेन स्पेशली व्हेन शी इज़ अ विडो एंड शी इज़ यंग. तो बहुत मुझे इस चीज़ में ज़रा थोड़ी एम्बेरसमेंट्स भी कई दफ़ा हुई. कई दफ़ा आई वॉज क्वाइट अपसेट अबाउट द एटीट्यूड ऑफ पीपल बट स्टिल आई मैनेज्ड इट. आई मैनेज्ड एवरीथिंग वेल. एक जो स्टिग्मास और जो सोसाइटी का एटीट्यूड्स है और जो प्लास्टिक्स जो हैं वो उनके खिलाफ आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ती है. एक अपने आप को अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर क्रिएट करनी पड़ती है टू ओवरकम ऑल दैट. एंड आई माशाल्लाह हैड ओवरकम दैट एंड आई डिड वेरी वेल इन एवरीथिंग इन ऑल माय वर्क्स एंड ब्रिंगिंग अप माय चिल्ड्रन एंड माय वर्क एंड माय सोशल वर्क एंड माय लाइफ एज सच. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड द वे आई एम नाउ. In the end, I would like to thank Kayseria for giving women a platform to talk about their struggles and share their problems with other women.